फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज का जो सेशन है आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भौतिक तथा जैविक संसार जहां कोई रहता है उसे क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भौतिक तथा जैविक संसार जो है जहां पर कोई रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं या जलमंडल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, अगर पर्यावरण के हम सिंपल से साधारण डिफिनेशन की बात करते हैं तो पर्यावरण की जो साधारण डिफिनेशन की अगर बात आई है तो जहां पर भी हम चीजों को देखते हैं हमारे चारों ओर का जो हमारा आवरण होता है जिसे हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ आप सभी लोग जानते होंगे जो चारों तरफ है इसके चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो अगर जहां पर भी हम चीजों को देखते हैं हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसको हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो भौतिक तथा जैविक संसार जहां पर कोई रहता है यानी जहां पर कोई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स चीजें उपस्थित हैं उसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा है, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। यानी कौन सा अभयारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। देखिए, कश्मीरी महामृग की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जैसा कि नाम से पता चला है कश्मीरी महामृग, तो जो दाची ग्राम है यह एक ऐसा मात्र कश्मीरी महामृग है जहां पर कश्मीरी अभयारण्य है जहां पर महामृग पाए जाते हैं, यहां पर हिरण पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी कहां पर स्थित है, दाची ग्राम जो है कश्मीरी से आप सभी लोगों को नाम पता चला होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, कान्हा भी है तो कान्हा अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है, या मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर भी आया है तो गिर, अगर गिर की बात करते हैं तो ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है, गिर जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है। मृदुलाई जो है ये हमें केरल और कर्नाटक की सीमा रेखा पर देखने को मिलता है, याद रखना है। यहाँ से आप सभी को चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए, दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं और ये भारत का एक ऐसा अभयारण्य है जहाँ पर सिर्फ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। कान्हा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गिर की अगर बात करते हैं तो गुजरात में, मृदुमलाई की ये केरल राज्य में पाया जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन हमारा है, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा कह रहा है जो कुगटी वन पशु विहार है ये किस राज्य में आप सभी लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं या जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। देखिए, कुगटी की बात आई तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुगटी वन विहार स्थित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो आप सभी लोगों को इतना जान लेना है, हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है धर्मशाला। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्टेडियम है जिसको धर्मशाला के नाम से जानते हैं, तो क्रिकेट स्टेडियम है उसको धर्मशाला के नाम से जानते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद कर लीजिए। और हिमाचल प्रदेश में ही जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दाचीग्राम अभयारण्य स्थित है, ठीक है, वहां पर कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की बात आई है, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, पराबैंगनी किरणें ओजोन को कब विघटित कर देती हैं। देखिए, ओजोन की बात आई तो जैसा कि मैंने बता दिया है, ओजोन जो है इसका फार्मूला होता है O3। ओजोन की अगर बात करते हैं तो O2+O यानी ऑक्सीजन के जब अणु मिलते हैं तब ओजोन गैस का निर्माण होता है, यानी O2+O जब ऑक्सीजन के दो अणु मिलते हैं तब ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा गया है पराबैंगनी कीड़े ओजोन को कब विघटित कर देती हैं, तो ओजोन को कब विघटित करेंगे, जब उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ओजोन को कब विघटित कर देती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए, अच्छा, ओजोन की बात आई तो इतना आप सभी लोगों को याद रखना है, जो ओजोन की नापने की इकाई होती है वो डॉप्सन इकाई होती है, याद रखना है, डॉप्सन इकाई में ओजोन को मापते हैं। अगर ओजोन दिवस की बात करते हैं तो यह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल ओजोन दिवस जो होता है यह हर साल 16 सितंबर को मनाता है। ओजोन की बात आई तो एक बात और सभी लोग याद रख लीजिए कि जो ओजोन है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन है जो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगर समताप मंडल की ऊंचाई की लंबाई की बात करते हैं तो 0 से 32 किलोमीटर के पर्यावरण में वायुमंडल में हमारा ये पाया जाता है, समताप मंडल, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सिल्वी कल्चर कार्यक्रम यानी सिल्वी कल्चर जो है इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है, मछली पकड़ना का कार्यक्रम होता है,
या वनों की पूर्ति होती है या धरती से धातुएं इकट्ठा कर किया जाता है या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर सिल्वी कल्चर की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है सिल्वी कल्चर में वनों की पूर्ति की जाती है यानी वनों का संरक्षण किया जाता है। याद रखना है सिल्वी कल्चर में वनों की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को दो तीन और कल्चर बता देता हूँ। देखिए एक कल्चर होता है सेरी कल्चर, ठीक है, याद रखना है सेरी कल्चर होता है। एक होता है हमारा विकी कल्चर, एक होता है विकी कल्चर और दूसरा हमारा होता है सिल्वी कल्चर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है जो सेरी कल्चर होता है उसमें रेशम की खेती की जाती है, याद रखना है रेशम की खेती की जाती है। अगर विकी कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर अंगूर यानी जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं उसकी खेती की जाती है। सिल्वी कल्चर की जैसा कि मैंने बता दिया वनों की पूर्ति यानी वनों का संरक्षण किया जाता है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। यहाँ से आप इन लोगों के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि भारत में वनों का कितना प्रतिशत होना चाहिए यानी भारत में कितने परसेंट वन होने चाहिए, तो भारत में टोटल 33% वन होने चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पोसी स्तर में प्रथम पद सदा होता है, पोसी स्तर में प्रथम पद सदा होता है। देखिए प्रथम पद पूछा गया है तो यहाँ पर देखिये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये तीन पद होते हैं। जो प्रथम पद होता है इसको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक के नाम से जानते हैं, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक के नाम से आते हैं। और प्राथमिक उत्पादक में कौन आते हैं, प्राथमिक उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, याद रखना है प्राथमिक उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं इनको पादप के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पर पूछा गया पोसी स्तर में प्रथम पद सदा होता है तो पेड़ पौधे आते हैं प्रथम पद में, तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी जो पादप होते हैं ये हमारे पेड़ पौधे होते हैं और ये प्रथम पद में होते हैं। अगर यहाँ पर द्वितीय पद पूछ लेता है तो द्वितीय पद जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे बकरी गाय भैंस जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, वो हमारे हो जाएंगे द्वितीय उपभोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कौन सा रोग ऊतकों को अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, कौन सा जो रोग है वो ऊतकों को अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैंसर जो है ये ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। देखिए जो कैंसर है इसके हम आपको सरल डेफिनेशन बता देते हैं। देखिए जब भी शरीर के किसी भी पार्ट में किसी भी अंग में अनावश्यक वृद्धि होती है तो उसको हम एक कैंसर का रोग समझ सकते हैं, कैंसर को उसको हम समझ सकते हैं। अगर कैंसर की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है कैंसर कैसी बीमारी है, एक वायरस डिसीज है, याद रखना है वायरस डिसीज है कैंसर। अगर कैंसर की बात आई तो इसका हम अध्ययन कहां पर करते हैं, तो इसका अध्ययन हम ओकोलॉजी में करते हैं, ओकोलॉजी में इसका हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, याद रखना है ओकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, धरती के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है। देखिए भाई साहब ये हमारी पृथ्वी है, अगर यहाँ पर हम रहते हैं ये हमारा मकान है, हम यहाँ पर रहते हैं, अगर हम पानी की पृथ्वी पर एक हम हैंडपंप लगा देते हैं यानी एक नल लगा देते हैं, ये आप सभी लोग उसको नल समझ लीजिए, ठीक है, ये मैं नल लगा देता हूँ। इसकी आप सभी लोग जानते होंगे नीचे एक बोरिंग होगी, ठीक है, बोरिंग होगी, पहले देखिए जो वाटर टेबल था ये यहाँ पर था, ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात वाटर टेबल जब नीचे गिरा तो ये वाटर टेबल यहाँ से हो गया, ठीक है, यहाँ से वाटर टेबल हो गया। तो भाई साहब हम ये करना क्या है, या फिर हम बोरिंग को दूसरी बोरिंग में कन्वर्ट करें यानी दूसरी बोरिंग करवाएं, या ये जो पाइपलाइन है इसको हम थोड़ा और लंबा कर दें, ठीक है। तो यहां पर वाटर टेबल की बात आई है तो धरती के नीचे जो पानी की सतह होती है उसे हम वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल की बात आई है तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी को 0 अंश से विभाजित कर देते हैं, जीरो अंश है इसको आप लोग जानते होंगे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से आप सभी लोग उसको जानते हैं पहचानते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी होती है यानी जैव विविधता होती है वो हमारी 0 डिग्री पर ही होती है, और जहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा वन वहीं पर पाए जाते हैं, याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं, तो वन जो होगा ये जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। अगर वनों की बात आई है तो सिल्वी कल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे त्वचा का कारण बनती है, ठीक है, त्वचा का कारण बनती हैं। और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको यूवी रेजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूवी रेजेस के नाम से जानते हैं, और ये ओजोन परत जो है ये हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन की बात आई है तो O3 फार्मूला है, ऑक्सीजन के अणुओं से इसका निर्माण हुआ है। ओजोन को हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं और हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, मलेरिया या टीबी या कैंसर या एड्स तथा बेरी बेरी तथा कालाजार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर तथा एड्स जो है ये ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। देखिए कैंसर की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर की मैंने आप सभी लोगों को सरल डिफिनेशन बता दिया है, कैंसर जो है ये एक किसी भी मनुष्य के जब किसी भी शरीर में मनुष्य के किसी भी पार्ट में अनावश्यक वृद्धि होती है उसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। हर साल कैंसर दिवस जो होता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। एड्स की बात आई है तो एड्स दिवस जो होता है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आप सभी लोगों ने सुना भी होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। देखिए अम्लीय वर्षा की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन जो होती है वो किस कारण होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है, SO2 जो है उसके कारण हमारी अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है, याद रखना है। अगर एसिड रेन की बात आई तो एक आप सभी लोग बहुत अच्छा एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए ताजमहल आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने फोटो जरूर देखा होगा और आपने यह भी सुना होगा कि ताजमहल का जो सफेद रंग है वो पीला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहां पर जो एसिड रेन होती है जो अम्लीय वर्षा होती है उसी के कारण जो ताजमहल का जो सफेद रंग है वो पीला पड़ रहा है। तो इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है एसिड रेन का याद रखना है, और एसिड रेन क्यों होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, शोर को मापने की इकाई क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और लेवल के आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा निम्न लेवल का आता है लेकिन आप सभी लोगों को करने की बहुत अच्छी आवश्यकता है क्योंकि इसको अगर कर लेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत ही ईवीएस बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए शोर के मापने की इकाई की अगर बात करते हैं तो शोर की जो मापने की इकाई होती है आप सभी लोग जानते हैं डेसीबल में हम शोर को मापते हैं, ठीक है, डेसीबल में शोर को मापते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आप सभी लोगों के लिए करता हूँ कि ओजोन जो परत होती है उसको हम किस इकाई में मापते हैं, आप सभी लोगों को बताना है ओजोन की जो परत की मोटाई होती है वो हम किस इकाई में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, मुख्य कारक का नाम आप सभी लोगों को बताना है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हमारा समुद्री जीव हो सकता है या जानवर हो सकता है या मनुष्य हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन यहां पर पूछा गया मुख्य कारक। देखिए समुद्री जीव यह भी प्रदूषण उत्पन्न करता है लेकिन यह मुख्य कारक नहीं हो सकता, जानवर ये भी प्रदूषण उत्पन्न करता है मुख्य कारक नहीं हो सकता है, मनुष्य जो है ये मुख्य कारक होगा। क्योंकि एक देखिए हम सिंपल उदाहरण से समझते हैं, अगर एक मानव सड़क पर जा रहा है अगर उसने केला खाया तो आप सब जानते होंगे केला खा के सड़क पर फेंक देगा, छिलका फेंक देगा तो वहां से प्रदूषण हुआ। एक और इससे बढ़िया उदाहरण लेते हैं, अगर एक किसान है उसका 4 एकड़ का खेत है, ठीक है 4 एकड़ का खेत है और उसने अपने 1 एकड़ में खेती कर रहा है, बाकी 3 एकड़ में उसने क्या लगवा दिया फैक्ट्री एक लगवा दी, भाई साहब एक फैक्ट्री उसने लगवा दिए तो आप सभी लोग जानते जो फैक्ट्री लगवाई है उससे धुआं भी निकलेगा और वहां से कचरा भी निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा। तो देखिए गंदा पानी जो निकला वो नाले में गया, समुद्र में गया और नदियों में गया तो प्रदूषण उत्पन्न हो गया, ठीक है, कचरा भी वहां नाले में गया तो प्रदूषण उत्पन्न हुआ, धुआं भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। तो मुख्य कारक की बात आई है तो मनुष्य जो है यह प्रदूषण करने में मुख्य कारक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ओजोन किससे बनती है। जैसा कि मैंने बता दिया जो ओजोन परत है यह किससे बनती है, तो ओजोन की बात आई है तो ऑक्सीजन से बनती है, O2+O से बनती है ऑक्सीजन, O3 इसका फार्मूला होता है। ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन और ओजोन दिवस होता है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, मांसाहारी को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है। जैसा कि मैंने इसके पहले को जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें बता दिया था कि जो प्रथम स्तर पर है उनको पादप को रखा जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात आई है तो मांसाहारी को पूछा गया तो आप सभी लोग जानते होंगे, देखिए ये प्रथम स्तर है, ठीक है, ये प्रथम स्तर में कौन आते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं और पेड़ पौधों को कौन खाता है तो आप सभी लोग जानते होंगे पेड़ पौधों को गाय भैंस बकरी ये सभी लोग खाते हैं, और जो प्रथम यानी जो गाय भैंस बकरी को खाते हैं ये द्वितीयक में चले जाते हैं। देखिए प्रथम उपभोक्ता कौन कहलाएंगे जो पेड़ पौधों को खाएंगे, और पेड़ पौधों जो खाते हैं वो हो जाएंगे पादप, ठीक है, और प्रथम में आते हैं पादप जिनको प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, और जो गाय भैंस होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और जो गाय भैंस को खाएंगे वो मांसाहारी चले जाएंगे। क्योंकि देखिए गाय अगर मरी और उसको किसी ने खा लिया, भैंस जो है ये मर गई इसको किसी ने खा लिया तो ये मांसाहारी जो इनको खाएगा वो मांसाहारी कहलाएगा।
इसमें पूछा गया किस पोषी स्तर में आते हैं, तो जो गाय भैंस और बकरी को जो खाएंगे वो आप सभी लोगों को याद रखना है तृतीयक में आएंगे, ठीक है, तृतीय में आएंगे याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा, देखिए उत्प्रेरक उनको हम कह नहीं सकते, उपभोक्ता कह नहीं सकते, अपघटक कह नहीं सकते, उत्पादक कह सकते, क्यों कह सकते, आइए हम समझते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे प्राथमिक उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, और जो पेड़ पौधे होते हैं यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में आप सभी लोग जानते होंगे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है, पेड़ पौधे जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ से आप सभी को दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, दूसरा यहाँ से बन सकता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ। तो अगर 1972 की बात आई तो आप सभी को याद रखना है विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है ये 1972 ईस्वी में शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ, स्टॉकहोम में हुआ था, और विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सभी देशों ने इसमें भाग लिया था, और विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात आई है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। देखिए चिपको आंदोलन की बात आई है तो आप सभी को याद रखना है उत्तराखंड के, देखिए यह शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमेली जिले के रेड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था, याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी पूछा भी गया है कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है, किस गांव से संबंधित है, तो रेड़ी गांव से संबंधित है, चमोली जिले के और उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखना है। और रेड़ी गांव की जो प्रॉपर की जो महिलाएं थी उन्होंने वन कटाई के विरुद्ध में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखना है, वन कटाई के विरुद्ध में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोगों को बन सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आप सभी लोगों को करवा देता हूँ कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। अगर भारत के जल पुरुष की बात आई है तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जल पुरुष के नाम से, वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। चिपको आंदोलन की बात आई है तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रेड़ी गांव से स्टार्ट हुआ, वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया था, वहां की प्रॉपर की महिलाओं ने इसको छेड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मनाया जाता है। अगर टाइगर स्टेट की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश जो है ये टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, जो बाघों का राज्य है, जो बाघों का राज्य के रूप में जाना जाता है वो मध्य प्रदेश जाना जाता है। अच्छा मध्य प्रदेश में एक और प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में सफेद बाघों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश को सफेद बाघों का राज्य भी कहा जाता है और बाघों का राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले सवाल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन से हैं। साइलेंट वैली की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना, देखिए ये हमारा जो उत्तर दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो हमारा ये केरल का क्षेत्र है वहां पर साइलेंट वैली पाई जाती है, जो केरल का जो क्षेत्र है वहां पर साइलेंट वैली पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोगों को आंसर लगाना है केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं, तो शेर की पूंछ जैसा जो दिखाई देने वाला मैकाऊ है जिसको मैकाक्यू के नाम से जानते हैं वो जो है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल राज्य में साइलेंट वैली पड़ती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में नागरहोल नेशनल पार्क पड़ता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा कर्नाटक की बात आई तो याद रखना ये जो यक्षगान है ये यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, यक्षगान जो है ये यहाँ का लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात आई तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा चंदन के वन पाए जाते हैं, चंदन की लकड़ी पाई जाती है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है, याद रखना है, कर्नाटक जो है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर चंदन की लकड़ी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। और जो नागरहोल नेशनल पार्क है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में लोक नृत्य जो है यक्षगान लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात आई है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है, तो भारत के
केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार स्थित है। केरल की बात आई तो याद रखना केरल केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम है, याद रखना तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल की राजधानी है। केरल में साइलेंट वैली पाई जाती है, देखिए यहाँ पर ये जो केरल का इलाका है वहां पर साइलेंट वैली पाई जाती है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखना ठीक है। केरल जो प्रसिद्ध है वो साइलेंट वैली के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड जो प्रसिद्ध है वो फ्लावर्स वैली के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। देखिए जो केरल है ये साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तराखंड जो है फ्लावर्स वैली के लिए प्रसिद्ध है, असम जो है वो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक जो है कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात आई है, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का पूछा गया है कौन सा जो राज्य है वह तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए मैं भारत का नक्शा यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, मेरा नक्शा अच्छा नहीं बनता है ठीक है, मैं नक्शा भारत का नहीं बना पाता हूँ। देखिए इसको हम भारत का नक्शा मान सकते हैं, आप लोग इसको इमेजिन कर लीजिए। इसमें पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य है जो कि तीन और बांग्लादेश से घिरता है। तो जो त्रिपुरा राज्य है यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे त्रिपुरा राज्य पड़ता है जो कि तीन और से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है याद रखना है, तीन और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। अच्छा त्रिपुरा की बात आई है तो याद रखना है अगरतला जो है ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का क्या उदाहरण है। देखिए लैंटिक आवास की बात आई है तो आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है, जो स्थिर जल होता है उसको हम लैंटिक आवास के नाम से जान सकते हैं। देखिए स्थिर जल जो होता है वो लैंटिक आवास के इसको हम जान सकते हैं। देखिए जो झरना है वहां पर स्थिर जल नहीं हो सकता, नदी जो है वहां पर स्थिर जल नहीं हो सकता, तालाब और नदी में तालाब हो सकता है, नदी नहीं हो सकती, कोई नहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पूछा है लैंटिक आवास का उदाहरण है तो तालाब और जो दलदल होगा वहां पर एक स्थिर जल पाया जाता है, वो हमारा लैंटिक आवास का एक उदाहरण है, ठीक है रखना है। और जो वेटलैंड जिसको आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं वो भी लैंटिक आवास का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात आई है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है। तो कपास उगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो हो जाएगी हमारी काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी की बात आई तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं, तो काली मिट्टी को जानते हैं। और जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी के कारण जो लावा निकलता है हमारा उसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और याद रखना है काली मिट्टी जो होती है ये सबसे कम उर्वरक इसको आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसमें उर्वरक पाई ही जाती है, इसलिए सबसे कम उसमें उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो अगर सबरीमाला की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है सबरीमाला जो स्थित है ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य में साइलेंट वैली भी स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से याद रखना है केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात आई है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन की बात आई है तो याद रखना है दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखना है चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। अच्छा चिनाब नदी कहां पर पड़ती है आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बताना है, चिनाब नदी कहां पर पड़ती है आप सभी लोगों को बताना है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात आई है, ऑलरी कल्चर से संबंधित है। ऑलरी कल्चर से क्या संबंधित है आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ऑलरी कल्चर की बात आई है तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है जो ऑलरी कल्चर है ये सब्जियों की खेती से संबंधित है, याद रखना है सब्जियों की खेती से ऑलरी कल्चर संबंधित है। देखिए एक होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है हॉर्टिकल्चर होता है, और एक होता है फ्लो कल्चर होता है, एक होता है पोमो कल्चर, एक होता है सेरी कल्चर। देखिए जो फ्लो कल्चर होता है वो फूलों से संबंधित होता है, पोमो कल्चर होता है वो फलों से संबंधित होता है, सेरी कल्चर जो होता है ये रेशम से संबंधित है, यहाँ पर रेशम की खेती की जाती है, ठीक है याद रखना है रेशम की खेती की जाती है। और सेरी कल्चर में रेशम की खेती की जाती है। विकी कल्चर में ग्रेप्स यानी अंगूर की खेती की जाती है। सिल्वी कल्चर में वनों की पूर्ति यानी वनों का संरक्षण किया जाता है। तो ऑलरी कल्चर से संबंधित है सब्जियों की खेती। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है वो छोड़ती है, यानी कौन सी गैस छोड़ती है, यानी क्या छोड़ती है ओजोन परत के ऊपर आयन की जो परत है वो क्या छोड़ती है। तो हमारी वो रेडियो एक्टिव कीड़े छोड़ती है, ठीक है रेडियो एक्टिव कीड़े जो है ओजोन परत के ऊपर जो परत है आयन परत है वो हमारी रेडियो एक्टिव कीड़े छोड़ते हैं, रेडियो कीड़े छोड़ते हैं। यहीं से हमारे सभी जैसे टेलीविजन है, हमारी जितनी भी सैटेलाइट है वो यहाँ से रेडियो एक्टिव कीड़े को कैच करती है और वहां से हमें इसकी जानकारी प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चंस करवा दिए, कितने क्वेश्चंस आप लोगों को सही रहे आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जितने भी क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर आते हैं लाइव चैट में जरूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और फ्रेंड्स बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।